बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम भी साथ साथ कर रहे होंगे। हमारा इंग्लिश का आज लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियोज़ आपसे मिस हो गई हैं वो आपको वक्त पर मिल जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है। इन सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ आपको 3 कॉलम्स दिए गए हैं, इनमें जो करेक्ट स्पेलिंग है आपने उसके गेट दायरा लगाना है। जैसे एच ओ के हुक, एच डबल ओ के हुक, एच ओ ए के हुक। इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है आपने उनके गेट दायरा लगाना है। जैसे कि एच डबल ओ के हुक, इसके गेट दायरा लगाना है। उस तरह ब्रेन, बी आर ए आई एन ब्रेन, इसके गेट दायरा लगाना है। चेयर, सी एच ए आई आर चेयर, इसे भी सर्कल करना है। उसके बाद बैगर की स्पेलिंग, बी ई डबल जी ए आर बैगर, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, आपने इसके गिर्द दायरा लगा देना है। और इसी तरह स्कूल के स्पेलिंग, इसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। और उसी तरह कैंटीन को भी। नेक्स्ट ग्रामर, नाउन की डेफिनेशन दी गई है। नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन्स। ऐसे वर्ड्स जिनका नाम हो उन्हें नाउन्स कहते हैं। जैसे कि किसी भी गर्ल या किसी भी बॉय का नाम, किसी भी बुक्स का नाम, किसी भी बिल्डिंग्स का नाम, जैसे कि फार्मर, एयरपोर्ट, बर्गर, बुक। यहाँ पर आप लोग अलामा इकबाल का भी नाम ले सकते हैं। जैसे स्कूल नेम्स हो जाते हैं, वो सब नेमिंग वर्ड्स होते हैं, उन्हें नाउन कहते हैं। पिक आउट 10 नाउन्स फ्रॉम द लेसन एंड राइट 10 इन द गिवन स्पेस। आपने लेसन में से 10 नाउन को पिक करना है और उसको इन कॉलम्स में फिल करना है। जैसे मैंने किया हुआ है, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, लाहौर, बलूचिस्तान, सिंध, कराची, कोयटा, केपीके, गिलगित, बल्तिस्तान, ये नाउन्स हैं, आपने इन्हें इन कॉलम में फिल करना है। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सूबों के नाम लिखे, प्रोविंसेस सूबे। आंसर देखें, बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब एंड सिंध। पाकिस्तान के 4 सूबे आपने उनके नाम लिख देने हैं। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट द ब्लेसिंग नेमतें ऑफ अल्लाह ऑन पाकिस्तान। नेमतों के नाम बताएं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। अल्लाह हैज़ प्लस पाकिस्तान विद मैनी रिसोर्सेज। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत से ज़राए, बहुत सी नेमतों से नवाजा है। व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। नेशनल लैंग्वेज, कौमी ज़बान। पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? आंसर देखें, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज यानी कौमी ज़बान उर्दू है। नेक्स्ट देखें, नेम द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम लिखें। आंसर देखें, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है। वोकैबुलरी, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पॉइंट टू राइम विद दीज वर्ड्स। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इन्हीं वर्ड्स की साउंड को से मिलते जुलते वर्ड्स आगे लिखने हैं। जैसे वन बिगन, टू न्यू, थ्री मी, फोर मोर, फाइव अलाइव। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क वेयर नेसेसरी। आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपने लिखना है जहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है, तो यहाँ पर आपने सारे स्टेटमेंट का जो फर्स्ट वर्ड है उसे कैपिटल लिखना है। जैसे कैन, कैन का सी बड़ा आ जाएगा, आई, यहाँ पर आई बड़ा आएगा, व्हाट का डब्ल्यू बड़ा आएगा, ही का एच। इस तरह आपने इस सब स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है। और लास्ट पे जहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ आपने क्वेश्चन मार्क, और जहाँ पर क्वेश्चन नहीं किया गया वहाँ आपने फुल स्टॉप यूज़ करना है। जैसे कैन यू स्विम इन द रिवर, क्या आप दरिया में स्विम तैर सकते हैं। सी, कैन का सी बड़ा, बाकी सारी स्टेटमेंट वैसे लिख के आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ पर आपको सवाल नहीं पूछा गया, आपने सिर्फ आई बड़ा लिख के सारी स्टेटमेंट को वैसे लिख के एंड पे फुल स्टॉप लगाना है। उस तरह आपने इन सबको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। कंपाउंड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो लफ्ज़ों को जोड़ने से एक लफ्ज़ बनता है। जैसे रेन, बारिश, कोट, कोट। तो इन दोनों को हम एक साथ करेंगे तो ये कंपाउंड वर्ड हमारे पास बनेगा, रेनकोट। उस तरह लंच बॉक्स, ये भी दो वर्ड्स हैं, लंच अलग, बॉक्स अलग। इन दोनों को आपस में मिलाने से एक वर्ड हमारे पास बनता है, उसे हम कहते हैं लंच बॉक्स। उसी तरह इंक पॉट, आपने इनके गिर दायरा लगाना है कंपाउंड वर्ड्स के गिर।
नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन दीज सेंटेंसेस। एडजेक्टिव कहते हैं किसी भी शख्स की खूबी को। आपने यहाँ पर एडजेक्टिव के नीचे लाइन लगानी है। स्टार्ट करते हैं द टाइनी माउस एट द फ्रेश केक। यहाँ पर आपने दो चीज़ें, माउस छोटा चूहा, फ्रेश केक ताज़ा केक, आपने दोनों की लाइन लगानी है, टाइनी और फ्रेश। उस तरह द ह्यूज बियर लिव्ड इन द डार्क फॉरेस्ट। यहाँ पर हमारे पास दो एडजेक्टिव हैं, एक ह्यूज दूसरा डार्क। नेक्स्ट हमारे पास है द क्लेवर फोक्स एट अ फैट डक। यहाँ पर भी हमारे पास दो एडजेक्टिव हैं, क्लेवर और फैट। आपने इस तरह यहाँ इन में से एडजेक्टिव को ढूंढना है और उनके नीचे लाइन लगानी है। नेक्स्ट देखें राइट ए और एन। एन आप जानते हैं कहाँ पर लगाते हैं, एन हमेशा वोवल वर्ड्स के साथ आता है, जैसे वुई सा डैश अनयूजल कोकोडाइल नियर द रिवर। यू हमारे पास वोवल वर्ड है, आपने इसके आगे एन लगाना है। उस तरह आई वॉच्ड, ई भी हमारे पास वोवल वर्ड है, आपने यहाँ पर भी एन लगाना है। आई वॉच्ड एन एनॉर्मस रेप्टाइल दैट किल्ड एन एलिफेंट इन द जंगल। नेक्स्ट देखिए शी सा डैश ग्रुप ऑफ जायंट एंट्स अटैकिंग डैश नेस्ट ऑफ कॉकरोचेस। तो आपने यहाँ पर ए लगाना है, वोवल वर्ड्स के साथ आपने एन और सिंपल वर्ड्स के साथ आपने ए लगाना है। इस तरह आपने अपने इन फिल इन द ब्लैंक्स को भी कंप्लीट करना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।